आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़े। आप इसको सुबह नाश्ते या फिर इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं। आइए तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्वाद संपन्न बाय ज्योति में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आलू, उसे उबाल लेंगे दो सीटी लगाकर। ये देखिए आलू उबल चुके हैं। उसके बाद उसे छिलका उतार कर अच्छे से मैश कर लेंगे कुछ इस तरीके से। फिर उसमें डालेंगे हम एक चम्मच नमक, एक चम्मच मिर्च, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच कटी हुई बारीक मिर्च और थोड़ा सा धनिया। इसे अच्छे से मिला लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम लेंगे दो कप बेसन में, हम डालेंगे एक चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, जीरा पाउडर, एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच चकुंदर, एक चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और ऊपर से धनिया डालकर इसे पानी मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी को हम धीरे धीरे से ऐड करेंगे ताकि घोल हमारा ज़्यादा पतला ना हो जाए। घोल हमें ना ज़्यादा पतला चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, देखिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम दो ब्रेड की स्लाइस लेंगे, उस पर लगाएंगे हरी चटनी जो हमने घर पर बनाई हुई है, ये देखिए कुछ इस तरह से। फिर एक तरफ हम लेंगे आलू, उसको अच्छे से फैला लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। फिर इसमें हम लेंगे पनीर, आप चाहे इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसको अच्छे से आप इसके ऊपर लगा लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से कट करना है आपको बिल्कुल धीरे से, ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है। फिर एक कढ़ाई में ऑयल ले लीजिए, उसमें धीरे धीरे करके ब्रेड पकौड़े को उसके अंदर डालिएगा। देखिए एक एक करके हम इसमें फ्राई करने के लिए ब्रेड पकौड़े को डालेंगे। अब ये दूसरा ब्रेड पकौड़ा देखिए बिल्कुल आराम से, ताकि ये टूट ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो ये टूट जाते हैं। तो कोशिश करना कि फिलिंग इसके अंदर ज़्यादा ना हैवी रखे और ना ही ज़्यादा कम। ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे से इसको पलटना है। ये देखिए इसको ब्राउन होने तक हमको फ्राई करना है। अब ये फ्राई हो चुका है, अब इसको एक एक करके हम कढ़ाई में से उतार लेंगे। ये देखिए इसको कट करके देखिए ये कितना करारा बना है। ये देखिए ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है। आप इसको एंजॉय करिए केचप के संग और ग्रीन चटनी के संग। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।